धान का तना छेदक कीट या एनोस्टेम बोरर। यह धान के मुख्य कीटों में से एक है जिसका प्रकोप सीधा धान के उत्पादन पर असर करता है। यह कीट की शुरुआती 45 से 50 दिनों में खेत में प्रवेश करती है। क्रैम्बिडी परिवार का यह कीट धान के अलावा गन्ने में भी पाया जाता है। पतंगे भूरे गेरुए रंग के होते हैं और उन पर दो काले धब्बे दिखाई देते हैं। यह काले धब्बे सिर्फ मादा पतंगों पर होते हैं। यह मादा एक बार में 150 से 200 अंडे देने की क्षमता रखती है। जैसे जैसे इल्ली बढ़ती है तो हल्के पीले रंग की और सर भूरे काले रंग का होता है। इल्ली तने को बीच से खाती है जिस कारण बालियां सफेद पड़ती है। दूर से भी यह लक्षण अच्छे से दिखाई देते हैं। सफेद पड़ी बालियों को डेड हर्ट्स भी कहते हैं। इस हानिकारक कीट से बचने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन देते हैं वह एसबी ल्यूअर और फनेल ट्रैप, जिसके जरिए सारे नर पतंगे पकड़े जाते हैं और खेत में कीटों की अंडे देने की श्रृंखला तोड़ी जाती है। पतंगे एक बार फनेल ट्रैप में फंसने के बाद बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पॉली बैग में डाली गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पतंगों के पंखों पर चिपकती है। यह प्रभावशाली प्रतिबंधक उपाय जरूर इस्तेमाल करें और आपका धान तना छेदक से मुक्त रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल देखें या www.greenrevolution.in पर भेज दें।